हेलो गाइस, राधे राधे। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। बहुत दिन हो गए हैं, बाकी बिहारी जी याद नहीं कर रहे थे, तो आज निकल रहे हैं। और रास्ते से लेंगे छोटे वाली बहन और उसकी बेटी दीक्षा को। आओ, आप सबको भी ले चलूं, शायद आप लोगों को भी बुला ले भगवान जी। चलो चलते हैं। आ गई है भाई बबीता रानी। कहाँ है? बड़ी भाग के बैठ गई 2 सेकंड में, यूं नियक दिख लेने थे। अरे दीक्षा, ओ दीक्षा 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 दीक्षा, के खाओ तुम ये बता दो। है झूठी है, कुल्फी खान लग रही है। मैंने बनाई थी। आप तो भाई आइसक्रीम कुल्फी ब्रेड की कैसी लगी? बढ़िया बढ़िया लगी ना? और भाई इतनी निकम्मी है, यूं कह रही है जिंदगी में पहली बार कोई चीज खवाई अपने हाथ की। बताओ कितनी पहली बार बनाई है? है पहली बार। आए, जब भी कोई चीज मेरे घर में बनती है ना, हमेशा सबसे पहले ये खाती है, झूठी है सुषमा के हाथ की। इतनी कितनी दुष्ट मोई थी, हर चीज पहले चखती है। पता है क्या भाई, जो सबसे नलायक होता ना उसी पे दिल आता है। और ये है सबसे नलायक मेरी बहन, नलायक, और इसी पे दिल आवा है मेरा। मनिया ये प्यारी लागे पता ही नहीं क्यों भाई, क्योंकि मैं लायक हूँ। इस लायक है, लायक है बताने में इस लायक। हाय दीक्षा, तू कितनी सुंदर है। मेरे मुंह पे एलर्जी हो का चुड़ैल समझ लो। कितनी सुंदर लगे दीक्षा। क्या हुआ, मस्का लगा रही है दीक्षा इधर है ना? मां कसम बहुत सुंदर लगे। मस्का चलते हैं आज भाई, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है भाई। ऐसी सुंदर आ गई और हम ना चाटा लगेगा ना 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 लगे। पहुंच गए भाई हम शिवा ढाबे पे। अब पियेंगे चाय, जो है मेरी फेवरेट। यस, देखो भाई ये नहीं जा रहा कोई भी, और मैं जा रही हूँ उनके लिए पकौड़ी लेने। ये खाएगी प्याज के, ये खाएगा के, और मैं पीऊंगी माय फेवरेट चाय। चाय फॉरएवर फेवरेट चाय। जाओ लेकर दूध पीना है। दूध कितने की तरह की पकौड़ा में? ये आ गए हमारे पकोड़े। चाय वारी चाय। चाय वाली से चाय ना उठ रही पहले तो। चाय वाली पहले पकोड़े आ गए, पकोड़े ये रखे, खो गई। जगह नहीं मिल रही खाने की। चाय वाली खो गई। देख मुंह देख, इसका मुंह देख। चाय जैसा मुंह बना रखा था गरम गरम। चाय पियो ग्लास भर भर के चाय, मस्त एनर्जी ड्रिंक। अब लग जाते हैं काम पे, चाय पकोड़े। गाइज अब पहुंच गए हैं हम ये वृंदावन। ये होगी स्टार्ट वृंदावन हमारी सीन। ए लिखड़ जा मोटी, चल कितने ना पड़े, ऊपर चढ़ ऊपर चढ़। ये देखो कैसे इतनी बड़ी निकली हुई है, और उड़ेगी ना फिर पता लगेगा, फिर पै पै करेगी कैसे चढ़ी हुई है गाड़ी में। देखियो देखो है कैसे लटक रही है, छोटे बच्चों की तरह बाल उड़ गए। मोहित स्पीड से कर दे इसको, उड़ा दे जैसे चाचा राजी हो जाएगा। कहाँ छोड़ा है इसको ये पगली। जय जय श्री राधे राधे। कैसा एक्सपीरियंस था तेरा? बेकार है भाई, सब कुछ उड़ जाएगा। गाइस ये आ गई जमुना जी, और यहाँ पे सिक्के में विश मांग के फेंका जाता है। और ये मौसी देखो क्या कर रही है, हमने कछुए का विसर्जन। जलता बहुत सारा है लेकिन भाव कम है। जब नीचे जाएंगे वहाँ पता लगेगा कितना भाव है, भाव तो बहुत तेज है सारा। जय हो जमुना माई की। चलो जी ब्रिज बोध है, हिल रहा है।
पक्का डर रही है क्या? हिल रहा है, ये गाड़ियाँ जा रही है तो। अच्छा ये वाला दूसरे से आए हैं हम, है ना? कभी कभी खुलता है ये वाला। हाँ कभी कभार खुला मिलता है ये वाला। पहली बार तो पड़न दी है, ये जल्दी आवे यो। और तो कुछ ना है, वो लंबा पड़ता है। 8:45 हाँ लेट हो जाते थे। फिर वे बंद कर दे पुलिस वाले। यहाँ पे तो सब परिक्रमा करते हुए जाने लग रहे हैं। पुलिस वाले नहीं बैठे ना अभी। अभी 9 बजे के बाद एंट्री शायद बंद हो जाएगी। है हमारी गौ माता, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको सब कुछ आता है हम जानते हैं। कैसे आऊं रे कन्हाई, बड़ी दूर नगरी। फिर भी आ गई मैं, बुला लिया फाइनली ठाकुर जी ने। हाँ कहाँ पे है? शरारती से बंदर है या वृंदावन के और बरसाना के बंदर होते हैं शांत स्वभाव के, ना ये फोन छोड़ेंगे ना ये चश्मा छोड़ेंगे, और जब छोड़ेंगे तो इनको बदले में फ्रूटी चाहिए जब ये हमको हमारा चश्मा और फोन देंगे। इसलिए हम अपने फोन और चश्मे सब अंदर रखेंगे। इस बहन ने मेरा भगवान कसम, मेरे दिल में अगर इसके बोल से छेद होता हो ना तो यह छेद कर दे, क्योंकि है दिमाग में छेद, मैं चाहती हूँ छेद भर जाए पर वो भरेगा। दिमाग में तू दिल में कर देगी मेरे मंदी क्या डंग। इसने बस इतना करना नहीं आता इसको, दिमाग इतना बोलती है अगर भगवान की कसम मेरी चले ना तो इसने जमनाजी में गिर आती है। पर मैंने इन्हें ना इन इन बच्चों पे दया आ जावे इसलिए मैंने ये रखनी पड़े। भगवान की कसम तू खा रही हो है? भगवान के भगवान अपना है, भगवान के दरबार में आ रहे हैं अपना। आ देख डोले, चाहे जितनी मर्जी ज्यादा एक्सरसाइज कर लो पर डोला कम नहीं होना चाहिए भाई। 36 का डोला है, दुनिया के 16 क्यों है इसका, इसका 36 का डोला है भाई। देख लो, देख लो भाई, सबके 16 के इसके 36 के। मोहित 36 का भी हो क्या बेटा डोला? और अरे मोहित का 60 का। मोहिता मोहित का 60 का। मोहित नहीं आएगा मौसियों के और मम्मी के बीच में, सोचता खाम खा फंस जाऊंगा फिर खींच देंगे टांग, है ना? रास्ता ढूंढ रहे हो। ये देखो श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए भीड़ रहे भाई अड़े। कर दी गाड़ी पार्क और अब चल रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। और ये कैमरे से छिप जाती हैं, ये आगे आगे भागेंगी, मैं इनके पीछे पीछे रहूंगी। हसले हसले जरा हसले, हमेशा पकड़ के लानी पड़ती है क्या झूठी? आप आगे रहती हो, तुम आगे थी मैं पीछे थी, देख ले चाहे। चल चलते हैं, अम्मा नहीं अभी आ जाओ। मोहित आ गया, आ जा। सुबह के 8:15 हुए हैं और इतनी ज्यादा भीड़ है, शनिवार है इसलिए भी, और शनिवार को परिक्रमा भी करते हैं सब, छुट्टियों के कारण भी बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं आज। देखते हैं अब दर्शन कैसे देते हैं भगवान जी भीड़ भाड़ में। गर्मी तो है नहीं, मौसम तो एकदम मस्त है। कितने सुंदर सुंदर गाने, ये दोनों वहाँ बैठी ना, तिलक लगवाएंगे। अब देखते हैं अम्मा कहाँ मिलेंगी तिलक लगाने वाली, फिर लगवाते हैं। देख बबीता दिखाई दे रही है क्या कहीं पे तिलक लगाने के लिए है? तिलक लगवाएंगे भाई, पोल की तरह ऊपर उड़ाती जाओगी ना? उड़ाऊ मैं? गाय हमारी माता है तो क्या करे भाई, गोबर तो करेंगी ही करेंगी है भाई। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है बस पूछो मत, बहुत मन कर रहा था कब बुलाएं बिहारी जी। थैंक यू भगवान जी।
दर्शन बड़े अच्छे खुले हुए हैं। दर्शन है ना, घूम के दर्शन। और अब हम आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर। आओ आप लोग भी कर लीजिएगा दर्शन। अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस दोनों की बड़ी सुंदर सी, ये वाली एक जैसी राधे राधे लिखी हुई, बड़ी प्यारी प्यारी ड्रेस हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पगड़ी ड्रेस। और बबीता रानी भी ले रही है, ले ली बहना, चल ले ले, फिर चलते हैं इस्कॉन टेंपल पे।